स्वागत है आपका एक बार फिर से। और फटाफट अगले चार स्टॉक्स बताते हैं। अगले चार में एक सातवां स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। इसमें एक खबर है, वो खबर मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल गोवा सरकार ने एक आदेश दिया है इनको कि जब दो ऐसे समय थे कोविड टाइम में जब इनके कैसीनो बंद थे, 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक और 1 मई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक, उस दौरान के लाइसेंस फीस को विद इंटरेस्ट वसूली के लिए गोवा सरकार ने एक नोटिस जारी किया है इनको कि आप इसका वापस करिए। हालांकि कंपनी ये कह रही कि उन्होंने अपने तमाम रिजल्ट्स दिए थे उस दौरान के, उन सब में इसको प्रोविज़न फॉर किया था, तो उनके ऊपर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन वो एक लीगल रेमेडी भी लेंगे, परसू करेंगे कि इसको नहीं लिया जाए। लेकिन अब देखते क्या होता है कि हैंगओवर तो बन गया है कि वो पैसा वसूल, और कितनी रकम वसूली जाएगी ये पता नहीं, इसमें लिखा नहीं प्रेस रिलीज में उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। कंपनी की का कहना है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार वसूली पे उतारू है। आठवां स्टॉक है HDFC बैंक। इसको भी हमने रेड में रखा है। रेड में हमने इसलिए रखा कि इन्होंने एक बॉन्ड रेस, बॉन्ड के जरिए फंड रेस किया है, लार्जेस्ट एवर है, करीब 15,000 करोड़ रुपये के। उसको उन्होंने जो कूपन रेट पे लिया है 7.86%, 10 साल वाले हैं। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हाई पे है ये, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसा पैन आउट होता है, क्योंकि इस पर डिमांड बहुत तगड़ी थी इसमें पड़ रहा है। ये कह रहे बहुत डिमांड है लॉन्ग टर्म ये, लेकिन 8% पे लिया है तो आप कितने पे बांटोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री नीचे आनी शुरू हो गई तब थोड़ी सी मुझे लगता है। तो मैं भैया जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हैंगओवर इसमें रह सकता है। ये बहुत ऊँचे पे इन्होंने फंड ले लिया है। नाइन्थ स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। अगर ये ऊँचे पे लेंगे तो बाकी कैसे करेंगे फिर? वही तो बाकियों के तौर में इनकी तो टॉप क्लास की कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, तो इस रेट पे है। अच्छा, जो छोटी छोटी कंपनी है उनको तो बहुत ही महंगा मिलेगा। अदानी पोर्ट्स ग्रीन में है। इन्होंने इनका एक्चुअली धामरा पोर्ट जो है ना उसमें LNG का टर्मिनल बन रहा, और ये इन्होंने कल इनके जो एक वहाँ पे इवेंट था इन्वेस्टर मीट का, उसमें उन्होंने कहा कि अपने LNG टर्मिनल को ये की कैपेसिटी डबल करेंगे और उसको और एक्सपेंड करेंगे। और देखिए गैस का इस समय बहुत फ्यूचर इंडिया में, तो उसके इसमें लगता है कि ग्रीन चल सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंपनी ऑलरेडी है। 10th स्टॉक है MCX। ये रेड में है। इसको हमने इसलिए कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट अभी पढ़ाई सुबह, अंडरवेट की कॉल दी, टारगेट है 1120।